उत्तर प्रदेश में करीब 17 माह बाद कोरोना संक्रमित मिलने वालों की संख्या 10 से कम हो गई है। सोमवार को 153,280 सैंपल की जांच में 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,72,09,377 सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में एक्टिव कोविड केस 362 हैं। प्रदेश में 6 मार्च 2020 को कोरोना का आगरा में पहला मरीज मिला था। इसके बाद मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 12 मार्च को 11 मरीज हो गए थे। इसके बाद से संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालत ये रही है कि 29 अप्रैल को 35,156 मरीज मिले। इसके बाद मरीजों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई। अब स्थिति ये है कि ये संख्या 10 से भी नीचे आकर 7 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में हुई जांच में 69 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला है। नए मिले मरीज में गौतम बुद्ध नगर में 1, बरेली में 1, अयोध्या में 1, बुलंदशहर में 2, बलिया में 1, सहारनपुर में 1 मरीज मिला है। 15 जिलों में एक्टिव केस 0 है। इससे अलीगढ़, औरैया, बदायूं, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कासगंज, महोबा, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, शामली और उन्नाव शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.01% दर्ज की गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।